स्टूडेंट्स ऑफ एकेडमिक्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑफ इंग्लिश, आज लेक्चर वन हिंदी मीडियम लेक्चर में हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड ऑन एडवर्ब टू, अर्थात एडवर्ब टू पर आधारित सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म किया जाना। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमें जाननी है दो चीज़ें कि पहले ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, हालांकि ये प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया जा चुका है, और दूसरी अहम बात है ये एडवर्ब टू होता क्या है। लेट्स बिगिन विद एडवर्ब टू। आइए शुरुआत करते हैं एडवर्ब टू से। एडवर्ब टू TOO का यूज जब किया जाता है जब हम किसी एक्शन को या किसी वर्ब की क्वालिटी को, किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब की क्वालिटी को हम अतिरिक्त लेवल तक बढ़ा दें और ये इतनी बढ़ जाए कि यह नकारात्मक प्रभाव देने लगे या नेगेटिव इफेक्ट्स डालने लगे। जैसे कि आपने हिंदी में सुना होगा, किसी भी चीज की अति बुरी होती है तो ये अधिक से ऊपर अति का सेंस देता है। दूसरी बात रही ट्रांसफॉर्मेशन की। ट्रांसफॉर्मेशन उस परिवर्तन को कहते हैं सेंटेंस में जिसमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो चेंज होता है लेकिन सेंस वही रहता है। आइए शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर वन से। हमारा सेंटेंस है ही इज टू टायर्ड टू वॉक एनी लॉन्गर। टू का मतलब वह इतना अधिक थका हुआ है कि वह और ज्यादा नहीं चल सकता। आमतौर से अगर हम नॉर्मल थके हुए को कहते तो हम कहते ही इज वेरी टायर्ड, इट मीन्स कि भी चल सकता है। बट टू टायर्ड का मतलब जैसे कि हमने बताया कि नेगेटिव इफेक्ट डालेगा, तो नेगेटिव इफेक्ट यह है कि ही इज नॉट एबल टू वॉक एनी लॉन्गर, वह नहीं चल सकता आगे और ज्यादा। तो इसको बदलने के लिए कुछ विशेष बातें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। सबसे पहली बात, बदलने से पहले आप ये समझ लीजिए कि टू टायर्ड वाला पार्ट और टू वॉक वाला पार्ट दोनों ही के लिए है, अर्थात जब आप इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है और दोनों तरफ आपको सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको दो बार सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। TOO को आप SO में बदल देते हैं, सो में, एडवर्ब सो में, और फिर TOO की जगह आप दैट लगाते हैं, सब्जेक्ट दोबारा लगाते हैं या चेंज करते हैं, या अलग अलग कंडीशंस हैं, और उसके बाद कैनोट या कुड नोट लगा करके आगे फर्स्ट फॉर्म से अपना सेंटेंस शुरू करते हैं। इस प्रकार हमारा जो रूल बन जाता है वह यह है कि टू की जगह सो प्लस एडजेक्टिव, फिर अगले पार्ट का सब्जेक्ट ये जो एस से डिनोट किया गया है, उसके बाद कैनोट या कुड नोट। कैनोट जब लगाते हैं जब यहाँ प्रेजेंट दे रखा होता है, और जब यहाँ वॉज या कोई पास दे रखा होता है तो हम यहाँ कुड नोट लगा करके बाकी सेंटेंस को कॉपी कर देते हैं। इस तरह से ये इंडिकेशन आपका रूल हो गई। तो हमारा आंसर हुआ ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक एनी लॉन्गर। आइए दूसरे नंबर सेंटेंस एग्जाम्पल में देखते हैं। द बॉक्स वॉज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, और वह परिवर्तन यह है कि इसमें इधर की बात बॉक्स के लिए की गई है जबकि दूसरी बात मेरे लिए की गई है, जबकि पिछले सेंटेंस में दोनों बात ही के लिए कही गई थी। तो ये इसके अंदर स्पेशल चेंज है। तो आप क्या करेंगे कि पहले वाले वॉज को आप वॉज ही रहने देंगे, TOO को आप सो में बदलेंगे जैसे कि आप पीछे कर चुके हैं। उसके बाद जैसे ही फॉर मी, फॉर हिम, फॉर देम आता है तो मी, हिम और देम जो है ऑब्जेक्ट्स हैं, आपको इन्हें सब्जेक्ट फॉर्म में बदलना पड़ेगा। मी का आई, देम का दे, और हिम का ही, और हर का शी। तो यहाँ पर क्या हो गया, दैट आपको लगाना है टू हटाने पर, और उसके बाद आपको सब्जेक्ट दोबारा लगाना हमने बताया था। वहाँ पर ही और ही दो बार सेम थे इसलिए सेम लिख दिया गया था, यहाँ पर मी का हमने आई कर देना है। उसके बाद यहाँ पर वॉज लिखा हुआ है इसलिए हमने यहाँ पर कुड कर दिया और नॉट एक्स्ट्रा लगाकर सेंटेंस आगे कॉपी कर दिया। तो हमारा सॉल्यूशन हुआ द बॉक्स वॉज सो हैवी दैट आई कुड नॉट लिफ्ट। इट लिखें या ना लिखें। इन क्वेश्चन नंबर 3 द क्वेश्चन वॉज टू डिफिकल्ट टू बी सॉल्व्ड। यहाँ पर देख रहे हैं आप एक अलग तरह की फॉर्मेशन है सेंटेंस की जिसके अंदर सेकेंड पार्ट के अंदर पैसिव वॉइस दर्शाया गया है। तो आप फर्स्ट पार्ट यूजुअली सामान्य तौर से वैसे ही बनाएंगे और सेकेंड पार्ट में चूंकि कोई भी सब्जेक्ट नहीं है और पहला जो सब्जेक्ट क्वेश्चन है वह अगले पार्ट से बिल्कुल अलग है, सॉल्व कोई और करेगा, क्वेश्चन कुछ और चीज़ है, तो यहाँ पर सिमिलैरिटी ना होने की वजह से आप एडिशनल सब्जेक्ट कोई का सेंस देने वाला वर्ड वन लगा सकते हैं। वन का अर्थ एनीबडी भी हो सकता है। तो हमारा आंसर बनेगा द क्वेश्चन वॉज सो डिफिकल्ट दैट वन कुड नॉट सॉल्व इट। वन हमने यहाँ ग्रीन कलर से डिनोट किया है क्योंकि यहाँ पर जो वन है ये वन
आपको कोई भी का सेंस देता है। तो हमारा सेंस हो गया कि क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट था कि उसे कोई भी हल नहीं कर सकता था। हिंदी में कर सकता था, इंग्लिश में कर सकता था का अर्थ आता है जबकि आप हिंदी में कर सकता है भी बोल सकते हैं। नाउ इसका दूसरा सॉल्यूशन का दूसरा वे, द क्वेश्चन वॉज सो डिफिकल्ट दैट इट कैनॉट बी सॉल्व्ड। यहाँ पर हमने वन लगाकर इसको एक्टिव वॉइस में बदल दिया था, यहाँ पर हमने इसको पैसिव वॉइस में बदल दिया क्योंकि ये क्वेश्चन का प्रोनाउन इट हमने यहाँ पर रिपीट कर दिया, जैसे कि पहले सेंटेंस में ही दो बार लिखा था और ये इस पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो सकता है इसलिए। तो यहाँ पर जितना हमने ये रेड कलर में लिखा है ये सारे चेंजेस हैं। वन जो लिखा है ये स्पेशल एडिशनल वर्ड है इसलिए इसको ग्रीन कलर से दिखाया है। तो ये एक खास बात आपको बताई जा रही है, यदि आपको यह सेंटेंस आ जाए और आपसे कहा जाए पैसिव वॉइस बनाओ तो आप इस तरह से बना देंगे, और आपको कहा जाए एक्टिव वॉइस बनाओ तो इस तरह से बना देंगे। तो इस सेंटेंस का यूज पैसिव और एक्टिव में भी है। लेट्स कम टू द रूल नंबर फोर। चौथे रूल में देखते हैं ही इज टू रूड। इसमें केवल एक ही पार्ट दिखाया गया है और इसमें एक पार्ट में टी डबल ओ टू को हमें चेंज करना है, यानी वे बे इंतहा बेहद बहुत अधिक अखड़ है, अभद्र है। तो आप लिख देंगे वह इतना अभद्र है कि हद से ज़्यादा। तो आपने टी डबल ओ टू का मीनिंग बाद में ऐड कर देना है। दूसरा तरीका यह भी हो सकता है कि आप इन चार वर्ड्स को एक वर्ड में लिख दें और वह बन जाएगा ही इज़ एक्सट्रीमली फुलिश। स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो कि ग्रामर में और राइटिंग सेक्शन में बहुत जगह पर महत्वपूर्ण है और अहम है। और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को देखने के लिए थैंक्स।